नमस्कार, मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। इसी के साथ प्यारे मित्र और प्यारे साथी, हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, बिल्कुल हम आराम से पढ़ते चलेंगे और एक एक पॉइंट हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। आधा अधूरा आपको छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज क्या चीज होता है। सबसे पहले इसमें समझे हम ब्याज क्या चीज है। ठीक है ना, ब्याज क्या चीज है इसको हमें समझना है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी चीज समझाते चलूंगा। तो यहां पर ब्याज हमें समझना है, ब्याज क्या चीज है। जैसे मान लो कोई मित्र हमारा है, हमारे पास आया, कहा कि भैया हमें 20,000 रुपया दे दीजिए, हम आपको एक साल बाद लौटा देंगे। जैसे एक साल पूरा होगा तुरंत हम लौटा देंगे। हमने कहा चलो मित्र हैं, साथी हैं, ठीक है, कुछ काम है, 20,000 रुपया दे देता हूँ, एक साल बाद खुद लौटा देगा। तो जैसे एक साल बीता, वह 20,000 रुपया लौटा दिया। ठीक है ना, अब वही मित्र दोबारा आता है हमारे पास, कहता है कि भैया 30,000 रुपये की ज़रूरत है मुझे, दे दो, एक साल बाद मैं भी इसको लौटा दूंगा। हमने उसको अब की बार 30,000 रुपया दे दिया। जैसे एक साल भैया पूरा हुआ, तुरंत वो मित्र था आया और पैसा लौटा दिया 30,000 रुपया। पहले तो 20,000 रुपया लौटा दिया सही टाइम पे, और दोबारा 30,000 रुपया भी सही टाइम पे लौटा दिया। इसके बाद तीसरी बात, वही मित्र आता है और कहता है कि भैया हमें 50,000 रुपये की अब की ज़रूरी है। हमने कहा चलो दे दिया जाए, 50,000 रुपया उन्होंने लिया। ठीक है, अब जैसे एक साल बीता, एक साल पूरा कंप्लीट हो गया, तो लौट के नहीं वापस आया। ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं देगा, पैसा देगा, लेकिन समय अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस समय पर उन्होंने लौटाने के लिए धनराशि कहा था 50,000 रुपया, तो उस समय पर उन्होंने लौटाया। अब मेरे मन में अलग अलग कुछ भावनाएं भी चलने लगी कि भैया पैसा ले गया 50,000 रुपया, लेकिन लौटाएगा, अभी लौटाया नहीं। तो यही चीज़ मैं पूरा अपने दूसरे मित्र से कहता हूँ। तो दूसरा मित्र मुझसे कहता है, कि अगर आप उस पर कुछ ब्याज लगाए होते, उस धनराशि पे जो उन्होंने लिया था आपसे, तो आपका पैसा सही टाइम पर लौट जाता, वो लौटा देता सही टाइम पर। उन्होंने कहा कि जब ब्याज आप लगाते तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि यदि हम सही समय पर धनराशि नहीं लौटा पा रहे हैं तो हमें कुछ अलग पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज अर्थात एक हिसाब से जो धनराशि लेता है उसके ऊपर प्रेशर होता है कि सही समय पर नहीं लौटाया जाएगा, तो ब्याज धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा और हमें और अधिक धन वापस करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो यहीं से ब्याज का भैया जन्म होता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और पहले आपको मेन पॉइंट बता देते हैं, फिर इसके बाद बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए मूलधन, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, मूलधन है यहाँ पर 10,000 रुपया और जो दर है 10% है और समय यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो इस स्थिति में ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज क्या होगा इस स्थिति में, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज होगा, साधारण ब्याज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, साधारणता इसी फार्मूले का यूज करोगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटा 100। आप इस प्रकार से ब्याज निकालेंगे। अब हमें यह चीज समझना है कि ये फार्मूला आपका कहां से आया। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझाते चलूंगा, बस आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है।
अब हमें समझना है कि जो ब्याज है, ब्याज कहां से आया? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, एक कहां से आया? तो आप समानता इस पर लागू कर दोगे और अपना ब्याज निकाल लोगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये फार्मूला कहां से आया, ठीक है ना? तो मेरी बात समझते जाना कि 10% जो दिया है इसका मतलब क्या है, 10/100। 10% का मतलब 10/100, अर्थात अगर धनराशि 100 रुपया है तो उस पर ब्याज कितना लगेगा, 10 रुपये का ब्याज लगेगा। धनराशि 100 रुपया है तो उस पर 10 रुपये का ब्याज लगेगा। तो मेरी बात समझना, धनराशि इतना है तो इस पर कितना ब्याज लगेगा, वो चीज़ आपको निकालना है। यहाँ समझना कि अगर 100 रुपया है तो इस पर ब्याज कितना लग रहा है, 10 रुपया, अर्थात 100 रुपये पर कितने का ब्याज लग रहा है, 10 रुपये का क्या लग रहा है, ब्याज। तो 1 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा, 10/100। मैं कहूँ पूरी धनराशि कितना है तो आप कहोगे 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 पर कितना ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे इसी में 10,000 से गुणा कर दो। हमने कहा चलो ठीक है, 10,000 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो 10/ कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना? ये जो पूरी चीज निकल के आ रही है एक वर्ष के लिए निकल के आ रहा है, ठीक है ना? तो 10,000 पे कितना हो जाएगा, 10,000 × 10/100 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, समय कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। क्या समय कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 से गुणा कर देना। देखो फार्मूला आपका आ गया। अब ब्याज यही तो आया है, ब्याज यही आया है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, और गुणे क्या होता है, दर, और गुणे क्या होता है, समय, ठीक है? समझ पा रहे हो पूरी चीज, और बटा नीचे क्या है, 100। तो ब्याज आपका यही चीज आया निकल के, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटा क्या होता है, 100, ठीक है ना? तो यहां से आप अगर इसको आप यहां पर हल करोगे तो 800 से कटा और 2 1 के कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहां पर कितना 0 हो जाएगा, 1 2 और 3 0, ठीक है? अर्थात 10,000 पर कितने का ब्याज आपका हो जाएगा, 2,000 का। ये आपका क्या निकल के आएगा, SI निकल के आ जाएगा, ठीक है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई है। जो भी मैं तरीका बताऊंगा बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका होगा, ठीक है? बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा पूरी चीज। अब देखिएगा, एक बार और समझा दूं कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज, तो 1 रुपये पर कितना, कितने का ब्याज, 10/100, यहाँ से सही है। फिर हम निकालेंगे कि 10,000 पर कितना हो जाएगा, 10,000 से इसमें गुणा करेंगे, 10,000 × 10/100, यहाँ से 00 से काटें, ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसका गुणा करोगे, 2 1 2 कितना 0 है, 3 0 है, यहाँ से बढ़ा दोगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना? मेन चीज आपको समझाना चाहता था ये फार्मूला कहाँ से आए, तो यहीं से आपका फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम प्रश्न लगाते हैं। पहले आपको जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, सब कुछ हम बता दें, ठीक है? फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना? तभी आपको पूरी चीज समझ में आएगी। अब मैं कह दूं भैया कि मूलधन, हम आपको प्रिंसिपल देते हैं मूलधन 5,000 रुपया, और इस पर दर है 10% का, चलो 10% का, टाइम कितने का, 5 वर्ष का। तो आप ब्याज निकाल के बताओ, ब्याज निकाल के बताओ कि साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, निकाल के बताएं। आइए देखते हैं, ऐसा ही निकालना है। तो मेरी बात समझो, इसी परसेंट का सब खेल है, ठीक है ना? परसेंट को उठा के हम लगाएंगे कैसे, 10% का मतलब क्या है, 10/100 है,
देखिए इस चीजों का आगे प्रयोग होगा तो आप पूरी बातें यहां पर समझते चलिएगा, ठीक है ना। पूरी बातें आप आराम से समझते चलिए, क्योंकि आगे मेथड का जो प्रयोग होगा वो चीज आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा। तो 10% का मतलब 10/100, अर्थात 100 रुपए पर कितने का ब्याज, 100 रुपए पर कितने का ब्याज, 10 का ब्याज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर धनराशि 100 रुपया है, 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज होता है, तो 1 रुपए पर कितने का ब्याज, 10/ कितने का, 100 का। तो पूरी धनराशि कितना है, 5000 है, तो 5000 पर कितना हो जाएगा, 5000 गुणे कितना हो जाएगा, 10/100। और टाइम ध्यान देना, टाइम 5 वर्ष के लिए, ये तो पूरा जो ब्याज निकलेगा 1 वर्ष के लिए, टाइम ध्यान देना, टाइम यहाँ पर 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ से 5 से आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब 00 से यहाँ पर 00 काटें, फिर इसका इस पर कितना हो जाएगा, पंचम 25 हो गया, और कितना 0, 1 और 2, ठीक है ना। अर्थात आपका जो ब्याज निकल के आएगा, SI जो निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, 2500 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका होगा। अब आगे जो मैं बताऊंगा, जो चीज़ आपको बताऊंगा, वो काफ़ी इस चीज़ का प्रयोग प्रश्नों में होगा, बहुत जल्दी ही हम प्रश्न हल कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे पूरा ध्यान दीजिएगा जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, अगर मूलधन हम यहां पर 100% मान के चलते हैं, अगर मूलधन हमारा कितना है, 100% है, और दर क्या है, 8% है, टाइम कितना दिया है, टी ईयर, तो इस स्थिति में आपको SI निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालना हो, तो क्या कैसे लागू होगा। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब देखें मूलधन हमारा कितना है, 100, तो यहाँ पर 100 लिख दो, और दर कितना है, 8%, ठीक है ना, सही, रुक जाओ, दर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100% हो गया, दर क्या है, 8%, तो यहाँ पर R लिख दो, टाइम कितना है, T है, और बटा क्या होता है, 100 होता है। तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ से 100 से 100 कट गया, तो SI बराबर आपका जो निकल के आएगा, RT% आ जाएगा, RT% आ जाएगा। अर्थात हमें क्या, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम RT का गुणा करके परसेंट लगा देंगे, ठीक है ना। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये आगे प्रयोग होगा, बिल्कुल आराम से बातों को समझते चलेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए RT का गुणा कर देंगे परसेंट, ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मिश्रधन निकालना है तो क्या करोगे, कहोगे कि अगर अमाउंट निकालना है, अमाउंट मत बोले तो मिश्रधन, ठीक है ना। SI मतलब साधारण ब्याज हो जाता है, ठीक है, साधारण ब्याज। अमाउंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अगर अमाउंट मैं कहूं कि मिश्रधन क्या चीज होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका क्या निकल के आता है, मिश्रधन, ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका क्या है, 100% है, और ब्याज कितना है, SI, ठीक है ना, ब्याज SI, तो यहां पर SI लिख देना। अगर मिश्रधन आपको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 100%, अगर मूलधन क्या है, 100% है, तो उसमें सही तो है, 100% और प्लस SI जो निकल के आएगा उसमें हम जोड़ देंगे। मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन और प्लस ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फार्मूला बन गया। अब देखिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न एक देख लीजिएगा, फिर हम इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आए हैं, उसको आप सीरियल वाइज लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तो पूरी बातें समझना। मैं कहूं कि आप भैया प्रिंसिपल यहां पर मूलधन 500 रुपया ले लो, 500 रुपया, ठीक है ना, 500 रुपया ले लो, और दर आपका जो है 10% पे मैं समझा रहा हूं, अभी आगे चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। टाइम मैं दे रहा हूं यहां पर 5 ईयर के लिए,
तो मैं कहूं कि इस स्थिति में आप SI निकाल के दिखाओ, अमाउंट निकाल के दिखाओ, SI और अमाउंट निकाल के दिखाओ। तो आप सीधा SI निकालने के लिए अर्थात ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, RT का गुणा करेंगे और परसेंट लगा देंगे। R कितना है, 10 है और T आपका क्या है, 5 है। तो 10 बचे 50, समझ में आई बात। यहाँ पर आपका SI कितना होगा, 10 बचे 50 परसेंट होगा, ठीक है ना। आरटी परसेंट था, परसेंट लगा देना, तो एसआई जो आपका निकल के आएगा 50% होगा, ठीक है ना। एसआई क्या चीज होगा, 50% होगा, पूरी बातें समझना। मैं कहूँ, ठीक है ना, चलो सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ कि आपको अगर मिश्रधन निकालने के लिए कहूँ, अमाउंट निकालने के लिए कहूँ, तो आप कहोगे 100% प्लस एसआई जो आया है, 100% और प्लस जो एसआई आया है, SI कितना 50%, तो आपका मिश्रधन A आपका निकल के आएगा कै परसेंट, 100 और 50 कितना 150%, ठीक है ना। ये आपका जो अमाउंट निकल के आएगा 150% और जो आपका ब्याज निकल के आएगा वो 50%, ठीक है ना। पूरी बातें समझ में आ रही है। अब मेरी बात समझना, जब मूलधन आपका 100% हो तो आपका SI बराबर क्या होता है, RT% होता है, ठीक है। जब मूलधन आपका 100% हो तो अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर क्या होता है, 100% प्लस SI, ठीक है ना। यहाँ से मेरी बात समझना, आगे आगे क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मूलधन इसको है 100% मान लो, ठीक है ना। मूलधन इसको हम 100% मान लें, 100% बराबर आपका क्या हो गया, 500। तो यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 500/100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर SI निकालना है तो 50% बराबर आप निकाल लेना। तो 50% बराबर बोलो कितना होगा, 50 गुणे कितना हो जाएगा, 500 और बटा 100, ठीक है। यहाँ से 00 से कटा तो आपका यहाँ पर जो आएगा 25 अर्थात 250 आपका क्या निकल के आएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट अर्थात आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। पूरी बातें आप ध्यान से समझना, अभी हम प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद क्या होगा, अगर अमाउंट आपको निकालना है तो 150% बराबर, देखो 1% बराबर इतना, तो अमाउंट मिश्रधन निकालना है तो 150% बराबर, तो 150% बराबर कितना हो जाएगा, 150 गुणे कितना हो जाएगा, 500 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 15/5 कितना हो जाएगा, 15/5 75, अर्थात आपका जो अमाउंट आएगा मिश्रधन आएगा आपका 750 रुपया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। तो इसी तरीके से आपको समझना है पूरी चीज़ें। अब चलते हैं इसी के साथ प्रश्न पे, ठीक है। चलिए, आपको पहला प्रश्न दिया जाता है और पहले प्रश्न का आंसर देंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, ठीक है, हर चीज समझते हुए चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न, 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर, 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। साथ में आपका ऑप्शन भी दिया गया है, इस प्रश्न को लगाते चलें, ठीक है, लगाइए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर देते चलें और हर पॉइंट नोट करते जाइएगा आप। देखिए भैया, यहां पर आपका 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। आपको SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपको अगर ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है तो RT%, ठीक है ना, RT% लागू करिएगा। तो आपका यहाँ पर R कितना दिया है, दर कितना दिया है 8.5, और गुणे टाइम आपका कितना दिया, 6 वर्ष के लिए दिया, परसेंट लगा लेना। अब इसको हल कर लो,
जब इसको हल करेंगे तो एक कितना हो जाएगा आपका 85/10 और गुणे कितना होगा 6। इसको काट लेना तो यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 5 1 5 और 5 7 35, 17 3 51, 51% आपका यहाँ पर आ जाएगा। पूरी बातें समझना, जो आपका SI निकल के आएगा 51% आ जाएगा। अब मूलधन को आपको 100% मान के चलना है, ठीक है ना, मूलधन को 100% मान के चलना है। मूलधन यहाँ पर 2000 दिया है, 100% बराबर हम मूलधन मानेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 2000, तो 1% बराबर निकालेंगे 2000/100, ठीक है। तो यहाँ से 00 से कट गया, तो हमें कितना बराबर निकालना था, SI कितना आ गया था आपका 51%, तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो गया 20 हो गया, तो 51% बराबर आप क्या करोगे, 51% बराबर आप क्या करोगे, 51 × 20 कर लेना। आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 1 2 5 2 9 10, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। SI आपका 10 20 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, सही जवाब है 10 20, इसमें राइट आंसर है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखिएगा और दूसरे प्रश्न को भी लगाएं, ठीक है, एकदम आराम से इसी मेथड का मैं आगे प्रयोग करूंगा, पूरी चीजें आप समझते चलेंगे बिल्कुल आराम से। दूसरा प्रश्न लगाएं, देखिए दूसरा प्रश्न इसमें क्या दे रहा है, 10% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश 5000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है ना, आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर SI निकालने के लिए क्या करेंगे, RT का गुणा करेंगे, RT%, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ब्याज निकल के आएगा आएगा कितना, दर 10 दिया है और टाइम कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से हल करोगे 10 दुना कितना हो जाएगा, 20% लगा देना, 20% जो SI निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 20%। अब मूलधन को हमें 100% मानना है, तो मूलधन को हम 100% मानेंगे, 100% बराबर मूलधन आपका यहाँ पर कितना दिया है, 5000 दिया है, तो 1% बराबर निकालेंगे कितना, 5000/100 हो गया, तो यहाँ पर कितना परसेंट बराबर निकालना है ब्याज, 20% बराबर आप निकालोगे तो आपका ब्याज निकल के आएगा 20% बराबर, ठीक है, 20 × और आपका जो दिया है इसको लिख लो 5000/, ठीक है, यहाँ से 00 से काटें, आपका कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा और 5 × 10, आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, SI निकालने के लिए RT का गुणा करेंगे, RT% हो गया, दर आपका 10 दिया था और टाइम आपका 2 ईयर दिया था ना, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 10 × 20 20% बराबर आपका ब्याज निकलेगा, तो 100% बराबर मूलधन आपका 5000 दिया, मूलधन आपका 5000 दिया, तो 1% बराबर आपका 5000/100 लिख देना, तो 20% बराबर आप निकालोगे, 20 × 5000/100, यहाँ से 00 से कट गया और 5 × 10 1000 रुपया आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ब्याज आपका 20%, 20% क्या था, SI था, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है और हर पॉइंट समझते हुए चलना है, ठीक है, मेहनत करते रहो। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर तीसरा बिल्कुल आराम से लगाएं, प्रश्न नंबर तीसरे का जवाब दीजिएगा, तीसरा भैया आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 54000 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई, अरे हमने जमा किया था 5 साल बाद निकाला, अब यही पता करना है कितना निकाला, और निकालने के बाद आधी राशि शेयर बाजार में जमा कर दिया जाता है और बची हुई धनराशि आपको बताना है। देखो तो इसमें अमाउंट की बात कर रहा है, जब आप धनराशि निकालोगे
या आपने किसी को धनराशि दिया, जो लौटाएगा ब्याज सहित लौटाएगा वो आपका क्या होता है, मिश्रधन, ठीक है ना। अर्थात आप निकालोगे, निकालने की बात कर रहा है, एक प्रकार का मिश्रधन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले SI निकालिए। SI निकालने के लिए RT परसेंट करते हैं, तो SI बराबर R की वैल्यू जो है, यहाँ पर R है कितना है 8% और समय दिया है कितना 5 साल, तो यहाँ पर 5 हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे SI बराबर आपका 8×5=40 हो जाएगा, ठीक है ना। SI जो हो जाएगा आपका कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। तो यहाँ से आप सबसे पहले देखिए अमाउंट निकालना हो तो क्या करते हैं, 100% और प्लस क्या करते हैं, SI करते हैं। जब अमाउंट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो गया और प्लस SI जो है वो 40% है। तो यहाँ पर टोटल आपका जो निकल के अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 140%, ठीक है। अमाउंट जो भैया आपका निकल के आया, इसमें आपका जो अमाउंट निकल के आया 140%। तो यहाँ पर पूरी बातें समझना, अब हमें 140% बराबर निकालना है, तो 100% बराबर मूलधन मान लिया जाता है, 100% बराबर कितना 5400, तो 5000 कितना हो जाएगा 400, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 5400 और बटा 100 हो गया, ठीक है। अब अमाउंट हमें जो निकालेंगे या जिसको हम धनराशि दिए हैं वो लौटाएगा हमें या हम उससे लेंगे, तो हमारा मिश्रधन होगा। 140% बराबर निकाल लें, 140% बराबर 140 गुणे कितना हो गया 5400 और बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको गुणा करें, आपका कितना हो गया 140 गुणे क्या हो गया 54। अब एक गुणा करोगे आपका जो निकल के आएगा अमाउंट निकल के आएगा मिश्रधन। अब देखो आधा आपने शेयर बाजार में जमा किया, तो आधा आप अपने पास बचाएं, तो वही जो आधा अपने पास बचाए हो, ठीक है ना, वही निकालना है। तो आधा ये तो अमाउंट आपका निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, तो आधा जमा किए बचा आधा वही बताना है। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2×1=2, 2×7=14, यहाँ पर 70×54 कर लेना, 70×54 करोगे तो आपका यहाँ पर कितना होगा 00, 7×5=35। तो आपका करेक्ट इसमें जवाब होगा बिल्कुल कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट इसका गुणा, सॉरी यहाँ से देखिए गलती हो गया, 70×54 करेंगे। जब 70×54 करेंगे तो 10 हो गया, 7×28=8, 2 बचा, 7×35=36 हो जाएगा, ठीक है। 37 और 80 आपका करेक्ट जवाब होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है ना। तो मेरी बात समझना, 140% निकालोगे टोटल आपका मिश्रधन, आधा जमा किए तो आधा बचा, तो आधा कितना है 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 37 और 80 करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। इसी के साथ भैया हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है कि छह महीने में 50 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दिया गया है, इस प्रश्न को आप लगा के देखें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न को बिल्कुल लगा के देखें, तो प्रश्न नंबर चौथा लगाएं। कह रहा है कि 6 महीने में, आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 6 महीने में 50 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 पैसे प्रति रुपया अर्थात 10 पैसे प्रति रुपया अर्थात एक रुपये पर कितना ब्याज, 10 पैसा, ठीक है। यहाँ से पूरी बात समझना, जहाँ से लिखा है 10 पैसे प्रति रुपया प्रति महीना, अर्थात ये कितना है, एक महीने का है, ठीक है। यहाँ से उसका कहने का मतलब 10 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज करो ज्ञात करना है, तो मेरी बात समझना, 1 महीने के लिए, तो अर्थात 1 रुपये पर 10 पैसे लगता है, 10 पैसा लगता है। तो यहाँ पर पैसे को रुपए में चेंज करोगे, कितने से 100 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से 1 काट दो, तो कितना हो गया 1 रुपये पर 1 महीने का ब्याज कितना हो गया, 1/10 हो गया, 1 रुपये पर 1 महीने का ब्याज कितना हो गया,
एक महीने का ब्याज 1/10 रुपया हो गया, तो टोटल कितने महीने है, 6 महीने का पूछ रहा है, 50 रुपये पर 6 महीने का, ठीक है ना। तो 1 रुपये पर एक महीने का 1/10 ब्याज आ गया, तो 50 रुपये पर एक महीने का, 50 रुपये पर एक महीने का कितना हो जाएगा, 50 × 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितने महीने का निकालना है, तो 50 रुपये पर एक महीने का आ रहा है टोटल, आपको 6 महीने का निकालना है, तो 6 से यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। जब यहाँ से काटेंगे आपका 6×5 30, आपका 30 रुपया करेक्ट जवाब होगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 30 रुपया, ठीक है ना। 30 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 वाला आपका करेक्ट जवाब है, बिल्कुल। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया, बिल्कुल आराम से समझें, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं बताऊंगा, पूरी चीजें आपको समझ में आएगी। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। राम अपने दोस्त श्याम से 2000 रुपया 31 दिसंबर 2011 को इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 1 साल बाद साधारण ब्याज के 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटा देगा। राम 1 जुलाई 2012 को धन वापस करने की स्थिति में आ जाता है, उसे श्याम को कितना राशि वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थात राम जो है, यहाँ पर समझते जाना, जो राम है वो श्याम से कितना लिया, 2000 रुपया लिया, ठीक है ना। राम जो है श्याम से 2000 रुपया लिया, अर्थात प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 होगा। प्रिंसिपल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 2000। अब एक कब लिया, 31 दिसंबर, यहाँ पर पूरी बातें समझें, तो 31 दिसंबर कब लिया, 31 दिसंबर, और 2012 को लिया, 2012 को 11 को लिया, ठीक है ना। अब कब लौटाता है, 1 साल बाद साधारण ब्याज के साथ 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटा देगा, ठीक है ना। राम ने जुलाई कितना, 1 जुलाई, यहाँ पर समय दे रहा है 1 जुलाई 2012 को लौटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम देखिएगा, दिसंबर तो खत्म, 31 दिसंबर है, अब दिसंबर पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अर्थात यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपका, 6 माह हो जा रहा है। देखो यहाँ से दिसंबर ख़त्म, दिसंबर 2011, दिसंबर ख़त्म, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो जून तक पूरा ख़त्म हो जाएगा, जून के बाद जुलाई आ जाता है, अर्थात यहाँ पर समय की बात किया जाए तो समय कितना है, यहाँ पर 6 माह है, ठीक है ना। 6 माह को यदि वर्ष में चेंज करना है, 12 से डिवाइड करोगे, 6×6 = 12, अर्थात 1/2 वर्ष आ गया, टाइम हो गया। जो ब्याज की दर था यहाँ पर, जो ब्याज की दर था प्रश्न में पढ़ना है, यहाँ पर 8% था ब्याज का दर, इसमें जो था 8% था, ठीक है ना। अब वो देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज के साथ 8% प्रतिवर्ष के हिसाब से लौटा देगा। राम 1 जुलाई 2012 को धन वापस करने की स्थिति में आ जाता है, उसे श्याम को कितना राशि वापस करना पड़ेगा। जब राम श्याम को धनराशि वापस करेगा, वो क्या वापस करेगा, मिश्रधन, अर्थात मूलधन और प्लस ब्याज, अर्थात क्या वो वापस करेगा, मिश्रधन वापस करेगा। तो मेरी बात समझना, तो आपको अमाउंट बताना, अमाउंट बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी बातें समझना। अब देखो आप, अब आपको अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले SI निकालेंगे, साधारण ब्याज SI RT% हो जाएगा। SI निकालने के लिए RT% होगा, SI बराबर R की वैल्यू कितना है, 8 हो गया, और T समय कितना दिया है, 1/2 वर्ष, 2×1=2, 2×4=8, और बराबर यहाँ पर कितना हो गया आपका, बिल्कुल कितना हो जाएगा, 4% SI निकल के आएगा, ठीक है ना। अब अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, समझना यहाँ पर, अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, 100% और प्लस SI, 100% प्लस SI, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% लिख दो, और प्लस SI जो आपका था, SI कितना था आपका, जो निकल के आ गया है 4%, ठीक है ना।
इसको जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा एसआई 104%। एसआई जो भैया निकल के आएगा 104% आपका निकल के आ जाएगा। यहां पर 100% बराबर आप मान लेना, 100% बराबर क्या मूलधन मान लेना, ठीक है ना। 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो 1% बराबर 2000 और बटा 100, तो यहां से 1% बराबर निकल गया। अब देखो राम जो श्याम को लौटाएगा वो मूलधन और प्लस ब्याज लौटाएगा, अर्थात मिश्रधन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 1% बराबर इतना, तो अमाउंट आपका कितना है 104%। तो 104% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 104 गुणे कितना हो जाएगा 2000, 2000 बटा 100, ठीक है ना। तो यहाँ से 800 से कट गया, तो यहाँ पर करोगे 0 हो गया, 4 × 8 हो गया, 0 × 2 = 2 हो गया। तो आपका यहाँ पर देखो 0 यहाँ पर उतार दो, 4 × 8 हो गया, फिर 0 × 2 = 2। तो 140% बराबर आपका जो आएगा यहाँ पर बिल्कुल कितना आ जाएगा 2080, ठीक है ना। 2080 आपका करेक्ट जवाब है। तो 2080 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब साथ में मैं दो प्रश्न आपको देता हूँ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6वां और 7वां, इस प्रश्न को लगाना, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्लास था, एकदम आपको स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें बता दी गई है, ठीक है ना। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।